हेलो फ्रेंड्स, भोजन पोटली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोहा वड़ा, जो कि बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और क्रिस्पी और टेस्टी होते हैं। इसके लिए मैंने एक कप पोहा को 2 से 3 बार साफ़ पानी से धो लिया, उसको थोड़े से पानी में 10 मिनट्स के लिए सोख करके रख दिया ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अब उसके बाद मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है और इसके अंदर एक बारीक कटा हुआ प्याज, करी पत्ता, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला सब मिक्स कर दिया। बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डाला है, आप उसकी जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक डो तैयार कर लिया। अब इस डो से छोटी छोटी लोइयाँ लेके उन्हें बड़े का आकार दे दिया और बीच में से फिंगर की सहायता से एक होल बना लिया ताकि ये प्रॉपर बड़े की लुक दे। फ्रेंड्स, हमारी सारी रेसिपीज के इन्ग्रीडियंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई में पहले ही तेल गर्म कर लिया था और उस गर्म तेल में हमारे ये पोहा वड़ा डाल दिया है और इसको दोनों तरफ से क्रिस्पी ब्राउन होने तक सेक लिया। तो फ्रेंड्स, तैयार हैं आपके पोहा वड़ा, जिसे आप किसी भी टाइम बना सकते हैं। मैंने ये प्लेट में निकाले हैं क्योंकि टिश्यू पेपर पे थोड़े सॉगी हो जाते हैं। तो बनाइए इवनिंग स्नैक्स में, ब्रेकफास्ट में। थैंक यू।